हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्या था वेलकम बैक क्या था ये आवर चैनल और आप सभी को नमस्ते हो ताशी डिले। तो अभी फिलहाल हम लोग कमला नगर से आ चुके हैं और क्या बोलते हैं भुजंग को नानी के पास मिलाने के लिए ले गया है। तो अभी हम लोग अच्छा हाँ हमारा नानी उसके लिए पर नानी उसका पर नानी सॉरी उसके लिए बोलो। और अभी हम लोग फिलहाल अभी यही बैठे हैं तो आपको दिखा देता हूँ देख लो। तो ये रहा दोनों मगट कूदो कूदो गोलगप्पा क्या होते तीसरा जनरेशन बोलता है ना यहाँ पे पांच जनरेशन है पर नानी है सबसे बड़ी मोमो क्या तुमको बोला भैंसा बोला मेरे को वाह रे वाह क्या ये क्यों गाड़ी पकड़ा था। हमारा पांच जनरेशन चल रहा है और माँ इधर तो फोन तूने उल्टा दिया तो मैं क्या करूँ तो सुबह गनी दे दे। हम दोनों अभी बैठा हुआ है अभी हम दोनों बाद में खाना खाएगा ऑर्डर करेगा। आज नानी मैं सुबह हम लोग साथ में खाना खाएगा लास्ट डिनर हमारा साथ होगा। सुबह कल रात को जाने वाला है धर्मशाला स्कूल वापस और अभी मेरा दोनों बहन गया हुआ है सुबह का छुपा लेने के लिए उसका छुपा बनाने दिया है ना तो छुपा लेने गया है। अभी वो दोनों भी घर पे नहीं है मैं सोचा घर पे छोड़ दूँ तो खाना डिलीवर कर दूँ तो अभी वो दोनों वहाँ पे गया है तो इसलिए अभी रात का खाना सुबह हम दोनों डिनर साथ में करेगा फिर हम दोनों सुबह को छोड़ेगा घर पे फिर हम दोनों खाना खाएगा पूरा चलो वैसे अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हाँ तो गाइस फाइनली हमारा सुबह के लिए खाना आ चुका है ये देख लो थुपा क्या है शेप्टर आलू फिंशा नानी का थुपा नानी कैसन बा ठीक और ये टीमो विजय थुपा छे तो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं तो हमने सोचा कि मासी को थोड़ा क्या बोलते हैं नानी को थोड़ा बाय बाय बोल दूं। बाय नानी बाय 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 गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू सी यू टुमारो बेटा घुमारो लो कुछ नहीं सी यू टुमारो बोला सी यू टुमारो बोला। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं इसको घर तक छोड़ के आऊंगा सुबह को घर तक छोड़ के आऊंगा फिर उसके बाद मेरा नाम शोभा नहीं है भाई। तो गाइस फाइनली अभी इसको घर तक छोड़ने के लिए आ चुका हूँ मैं और अभी पूरा अंदर घुसना है क्या चल अंदर चल नहीं जाना मेरे को अंदर चल तो क्या कर रहे चलो भाई कल सुबह ओए कल सुबह माँ आएगा बोला ठीक है मिलने तो लास्ट कल लास्ट आखिरी दिन है फिर मजा आएगा छोटा गोलगप्पा और बड़ा गोलगप्पा कल लास्ट आखिरी दिन है कल। तो भाई अभी फिलहाल ये घर जाएगा नहीं तो इसकी और इसका सॉरी इसकी नहीं डोली थी और सोनम टेंशन लेंगे ज्यादा लेट रख दिया तो तब तक अभी फिलहाल जाएगा है ना कुछ बोलना चाहता है क्यों नहीं भाई तो चलो भाई साहब अभी मिलता हूँ आपसे दोबारा गोलगप्पे को फोन भी करना ठीक है तब तक के लिए बने रहो। हाँ तो गाइस फाइनली मैडम आ चुकी है देखो बोला था मेरे से नहीं मैंने बोला नहीं था आप बोला है ना और बेचारा सोफा के लिए एक सामान लिया था वो सामान देना भूल गया मैंने वो कल सुबह दे सकती उसको तो फिलहाल अभी आप बने रहो मिलेंगे सीधा आपको घर में तब तक के लिए बाय। सो गाइस फाइनली घर आ गए हैं
लेट हो गया हमें घर आने के लिए, क्योंकि रूम सर्च कर रहे थे हमने। रूम दो तीन जगह, दो जगह बोला हुआ है और एक हमने देख के आया हुआ है फोर्थ फ्लोर में, मगर कोई दिक्कत नहीं है फोर्थ फ्लोर में हो तो भी, मगर रेंट बहुत महंगा बोल रहा है, 10,000 बता रहा है। मैंने बोला 8,000, ये 7,000 देते ही है, 1,000 ज़्यादा। ऐसे ही रूम डबल रूम है ना, बड़ा भी है और फ्लोर फ्लोर बहुत चढ़ना है, बहुत ऊँचा है। तो मैं बोला 8,000 देगा तो मैं कल ही शिफ्ट कर दूँगा। तो बोला मुश्किल तो है, बात करूँगा बोल रहा है। एक 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 आंटी है वो कल सुबह ग्राउंड फ्लोर में एक है बोल रही है, तो कल एक बार फिर सर्च करते हैं रूम के लिए। डिसीजन लिया नहीं अभी हमने, अभी हमने डिसीजन लिया नहीं है, मगर घर तो छोड़ना है, ये डिसीजन पक्का है। मैंने अंकल को भी बोल दिया है। सुना नहीं होगा ना अंकल ने तो अभी? अभी सुना भी नहीं अंकल ने। ओ अंकल जी नमस्ते, नमस्ते अंकल जी। अब हम लोग ना दूसरा रूम देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम वहाँ नहीं रहेंगे अंकल जी। अब बहुत डर गया हम लोग ना, हमारे साथ बहुत बुरा बुरा हादसा हो रहा है यहाँ पे ना, तो अभी हम वहाँ नहीं रह सकते, हम लोग घर छोड़ने वाला है। हम लोग में भी दो तीन दिन के अंदर घर छोड़ सकते हैं, छोड़ा तो आप हमारा जितना दिन का है वो कट करके हमारा अमाउंट वापस कर देना, ठीक है अंकल जी, और लाइट बिल भी काट लेना, ठीक है। सोचा तो यही था कि वो घर छोड़ूंगा नहीं, मगर अंकल हमारा भी प्रॉब्लम है, मैं बहुत बुरा तरह बीमार पड़ गया ना वो रूम में रह के, मेरा बहुत बुरा हादसा हो गया वो घर पर ना। मैं बहुत पूजा वूजा करवाया फिर भी कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत डर गया हूँ। अब तो मेरे साथ हो रहा था, मेरे पति के साथ भी बहुत बुरा बुरा हादसा हो रहा है वहाँ पे, रात को सोना मुश्किल हो रहा है हमारा ना, तो इसलिए हम लोग अभी वो घर छोड़ने वाले हैं, माफ़ कर देना अंकल जी, ठीक है। तो अभी हम लोग दो तीन दिन जितना दिन भी हम रहेंगे वो पैसा काट के अब बचा हुआ पैसा हमको लौटा देना, हम दूसरा रूम देख रहे हैं, ठीक है अंकल जी। ये इसलिए सुना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अंकल को ऐसा बोला है बोल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग भरोसा नहीं करते ना। ये बताया मैंने अंकल को, अभी मैसेज किया था शाम के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मेरा अंकल ओनर बहुत अच्छा है, हमारा ओनर तो भगवान जैसा है, ओनर को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ओनर अच्छे हैं, मगर हमारे यहाँ रहना हमारे लिए, मेरे पे जान का खतरा है। आज नानी भी, मेरा नानी भी इतना गाली दिया, मेरा नानी भविष्य ऐसा हम तो मुँह यही दो उतना नानी बोल रहे हैं, मेरा उम्र हो गया उतना तो नहीं, और जितना भी मैं देखा हूँ तेरे लिए ना, तो बहुत तेरा जान का खतरा है ये घर पे, ये घर छोड़ दे बोल रहा है मेरे पीछे ऐसा है वैसा है, तो मुँह लग दो यार। अब मेरे साथ ये हादसा भी हुआ है, ये हादसा क्या हुआ मैं वो बाद में बताऊँगा, मैं अभी उतना हिम्मत नहीं। आज टाका निकाल दिया था, सुबह तक सही था, और फिर अभी सूज गया है ये ना, अंदर सूज गया है, आज जो टाका निकाला था ना वो सूज गया है, मैंने गोली खाया है फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, मलम दिया है, मलम लगाऊंगा। विजय और भुजों तो खाना खा लिया, विजय ने भुजों को घर छोड़ दिया है डोली के पास में, तो बेचारा अपना टूट का ये लिया था 450 दिए यार मैंने, वो कल शाम को जाएगा, मैं कल फटाफट उसको मिलने जाऊँगा, उसको जो चाहिए सब दिला तो दिया है, और भी कुछ भी चाहिए तो मैं पूछूँगा, चाहिए तो दिला दूँगा। और मैं उनको विजय गया था सुबह को छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर जो पुरानी सब्सक्राइबर है, आई होप यू नो आप लोग जानते हो जो, हाँ मेरे साथ वो मेरा व्लॉग में गाना गाए थे असम का सब्सक्राइबर मेरे ना, जिनका सैलून भी है, वो दीदी आई है ना, तो उनके लिए मैं कुछ सामान चाहिए था उनको, तो फटाफट वो सामान वामान दिला दिया, कहाँ कहाँ लेना है पंजाब बस्ती में सब दिला दिया, तो उनको पहुँचा दिया। और उन्होंने मेरे लिए एक स्पाइसी रेमन पैकेट लिया और थोड़ा बहुत खर्चे भी ले दिया मेरे को, थैंक यू सो मच। और अभी विजय खाना गरम, विजय तो खा चुका है थुपा, और मेरे लिए वो कल रात का बचा हुआ था खाना, अंडा करी भी चावल वही गरम करके मैं खाऊंगा। मैं तो ज़्यादा खा नहीं पा रहा हूँ, मुँह ही नहीं खोल पा रहा हूँ, इतना दर्द हो रहा है मेरे को, बहुत पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी ठंडी है ना, खाना उतना ख़राब हो नहीं रहा, मैं खाता हूँ, मेरे को दो तीन दिन का खाना ख़राब नहीं होता तभी खाता हूँ मैं, वो नहीं मानना वाना तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना वेस्ट नहीं जाने देता हूँ कभी भी मैं तो। हाँ ये घर छोड़ना नहीं चाहता था, मगर भाई बहुत बुरा हादसा होने लगा है मेरे साथ, आई एम रियली सॉरी। लोग बुरा हेटर्स लोग बोलेंगे फिर घर चेंज कर रहा है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ है हमारा,
बरहासा हो रहा है मेरे साथ में, बहुत बुरा बुरा हो रहा है, इसलिए मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। ऐसा दूसरा कुछ नहीं है, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। हमारा ओनर बहुत अच्छा है, भगवान जैसा है, क्या ही बोलूँ। मगर वो भी बेचारे बोल रहे थे तावीज़ कराओ, मैं सब करा लिया, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है वो। हालत बहुत ख़राब हो गया मेरा। ये चावल और अंडा करी कल का, कल रात का, मेरे को तो पसंद है। मैं कैसे कैसे ये एक मुँह इधर से खा रहा हूँ, ये तो सूझ गया है, हो गया है। मैं दर्द बहुत हो रहा है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, थक गया। ओके गाइस, देन बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, हम लोग जल्द से जल्द रूम शिफ्ट करेंगे, आज रूम देखने गया, अब कल फिर पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो गया तो फटाफट शिफ्ट करना है मेरे को, कुछ भी हो मेरे को शिफ्ट करना है। और नहीं यार, अब सब बिगड़ गया, मेरा थोपड़ा खराब हो गया। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।